नमस्कार दोस्तों, गुरु रविदास जी सबका भला चाहने वाले महापुरुष थे। उनके हृदय में सबके लिए प्यार था। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वो सबको सत्य का उपदेश दिया करते थे। बुराइयों को हटाकर सत्य मार्ग पर लोगों को लगाना रविदास जी के जीवन का उद्देश्य था। उनके विचारों से प्रभावित होकर सभी वर्णों के लोग उनके पास श्रद्धा भाव से आने लगे। पीरादित्ता मगासी को ये एक विद्वान हुए हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। वह गुरु रविदास जी से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन नगर के बाहर एकांत में एक सभा बुलाई गई। सभा में सभी गणमान्य लोग वहां पहुंचे और उसमें वो महान व्यक्ति जो अपने आप को महान समझते थे, पीरादत्त मगासी साहब, वो भी पहुंचे और अपने लोगों को पहले से ही उन्होंने सारे दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि जैसे ही रविदास जी सभा में पहुंचेंगे, हम उनको मारने का प्रयत्न करेंगे, उनकी बेइज्जती करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ही रविदास जी सभा में पहुंचे, उन लोगों ने रविदास जी को कटु वचन कहना शुरू कर दिया। वो रविदास जी को बुरा भला बोल रहे थे। रविदास जी ने बहुत श्रद्धा भाव से उनसे कहा कि मुंह से पवित्र वचन बोलो, ऐसे कटु वचन मत बोलो। इन कटु वचनों से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कटु वचन बोलने से आपको क्या लाभ होगा? आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे पुरुष कहलाएंगे। बुरा करने वाला या बुरा सोचने वाला कभी अच्छा नहीं कहलाता। कुछ लोग तो रविदास जी की बातें सुनकर उनसे प्रभावित हुए, मान गए, लेकिन जो लोग दुष्ट थे वो आक्रमण पर उतारू हो गए। ये सब देखकर रविदास जी ने ईश्वर को पुकारा और तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। और वो घटना क्या थी कि रविदास जी के ईश्वर को पुकारने के बाद एक तेज प्रकाश निकला जिससे सब घबरा गए, आश्चर्यचकित रह गए और सब लोगों ने उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना की कि हमारी हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। ऐसे थे रविदास जी। ऐसे महान संत को मैं सादर नमस्कार करता हूं।